मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। अभी आपने जैसे कहा कि दिनेश भैया ने भी बहुत मेहनत की, बहुत किया, रवि जी ने भी, इन प्रचार प्रसार के दौरान जब ये जंग चल रही थी, चुनावी जंग, उस वक्त दिनेश जी ने एक कमेंट किया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं तो भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ। ये आपने भी सुना होगा, ये हर जगह। हाँ, मैंने सुना था। तो आप इस कमेंट पे क्या कहना? देखिए, हमारे कहने का मतलब कि देखिए, एक कॉन्फिडेंस होती है और उनका एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि जनता के प्रति उनका प्यार बहुत बड़ा है। और दिनेश भैया जब तक रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में, अभी भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, और कभी अशब्द बातें किसी से नहीं बोली। भगवान का लिखा, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि रेखा जो होती है ना, रेखा में नहीं लिखा रहता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन, एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन सकता है, एक साधु आदमी आज एक मंत्रालय मिल गया, वो सारंगी जी को मैंने सुना, मुझे, मैं कल बैठकर भावुक हो गया उनकी चीजों को देख के। तो आज जो भी चीजें हैं, और जब हम गरीब थे, जब मैं लिट्टी बेचता था, तो दुनिया के नजर में मेरी अहमियत क्या होगी कि अरे यार ये स्टार थोड़ी बन सकता है, ये फालतू चीजें गा रहा है, 2000 की कर रहा है चीजें, तो दुनिया के नजर में मेरी अहमियत बड़ी नीची थी। लेकिन मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों के दिल में पहुँचा, लोगों के दिमाग में पहुँचा, लोगों के घर में पहुँचा, पूरे शहर में पहुँचा, एक परमाणु बम की तरफ हटा मैं। तो लोगों को ये लगता है कि बारूद अगर इतना है तो ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वही बारूद छोटी जगह पे अगर फट जाता है तो नुकसान करके जाता है। तो वो आपके, उनका एक कॉन्फिडेंस था, और मैंने जिस देखा था कि वो, उनका कहना यह था कि वो सच्चाई के साथ हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई हरा सकता है, जो सच्चे लोगों के साथ हैं उनको कौन हरा सकता है। तो उनका कहना ये था, अब उसको प्रेजेंट, अब भगवान का रेखा को तो मैं भी नहीं मिटा सकता, मैं भी तो ईश्वर का ही दिया वरदान हूँ, ऐसा नहीं कि भगवान का लिखा मैं मिटा सकूँ। मैं चाहे जितना भी मेहनत करूँ, जो मेरे किस्मत में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा। अगर मुझे स्टार बनना था तो मैं, मेहनत ठीक है, मेहनत जरूरी है, संघर्ष आप करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं, जितना पॉसिबल है उतना ही संघर्ष आपको मिलेगा करने के लिए। मुझे संघर्ष मिला है कि खेसारी तुम, मैं लिट्टी बेचता था तो मुझे ईश्वर चाहता तो मुझे लिट्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना देता ना, मेरे बहुत सारे लिट्टी के ब्रांड होते, लेकिन नहीं, ईश्वर को मुझे कहीं और भेजना था, तो वो उनके, मेरे किस्मत में वो चीज़ें थी, तो किस्मत के लिखा तो मैं नहीं मिटा सकता। हो सकता है आदमी जब बातें करता है तो कुछ बुला जाता है, तो उसके लिए ये जितनी भी जनता है, सब आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग पिता तुल्य हैं। अगर बेटा इतनी सारी अच्छाई किया है और आपने प्यार दिया है, तो अगर एक बातें उनके मुंह से निकल गई होगी तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग क्षमा करिएगा, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्यों, मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, और आप लोग भी मेरे भगवान की तरह हैं। तो अगर उस भाई से एक, हो सकता है जुबान से पिसल गई होगी, निकल गया होगा, तो हर आदमी से कुछ ना कुछ आदमी जब बोलता है, मैं ही बोल रहा हूँ तो सारी बातें अच्छी थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई बातें ऐसी निकल गई होगी मेरे जुबान से, किसी को गलत लग जाएगी, तो मैं उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। आजकल, पहले मैं बड़ा फनी करता था, आजकल बहुत चुप हो गया हूँ, असले कंट्रोवर्सी बहुत होता है मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है कि खेसारी कुछ भी बोल देता है, इसलिए पहले धड़धड़ धड़धड़ बोलता था, अब कम कर दिया हूँ, तनी सोच सोच के बोलना पड़ता है कि नहीं किसको कौन सी बातें लग गई, क्योंकि अब थोड़ा सा, पहले नादानी थी, अब समाज में रहते रहते और लोगों का प्यार पाते पाते, और मुझे भी कम गाली थोड़ी मिली है। अब जब मैं गया था दिन मनोज जी के प्रचार करने के लिए तो मुझे भी गालियाँ मिली है, लेकिन क्या मतलब, आज हमारे पापा आज हमें 2 पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम उनको गाली थोड़ी देंगे, इंतज़ार करेंगे ना कि मेरा पापा आगे मुझे क्या, मेरी किस्मत मेरे लिए क्या करते हैं। अगर कोई बेटा किसी बाप को अगर ज़रूरत की चीज़ आज नहीं दे रहा है तो इंतज़ार करिए ना, कल तो देगा ना आपके लिए, उसके लिए अपने बाप को गाली तो नहीं देगा ना कोई, अपने बेटा को गाली तो नहीं देगा ना कोई बाप। तो ये हमारे पिता की तरह हैं, और इनको मारने का भी हक है, खेसारी को गाली देने का भी हक है, और जनता जो होती है ईश्वर के स्वरूप होती है, एक छोटे से मंदिर को भी बड़ा बना देती है जब वो लाइन लगा कर पूजा करती है, और बड़े मंदिर को भी कोई नहीं देखता है जब जनता का प्यार उस मंदिर को, तो भगवान को भी ज़रूरत जनता को होती है अपने आप को बड़ा करने के लिए। तो ये जनता जो है साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर जो बोल रहा है वही आपकी दुनिया है। तो हमें हर आदमी को, आज देखिए फेसबुक पे
बहुत सारी चीजें होती है। तो जिसके पास वक्त है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो पूरे दिन फेसबुक पर वही कमेंट करना, लोगों को गाली देना, किसी को बुरा बोल देना, राजनीति की बातें। जितना देर, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना देर आप अपने फेसबुक पे और अपने मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, अगर उतना देर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने जीवन के लिए सोचें, तो शायद हमारा जीवन इससे बेहतर होगा और हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। जिस खेसारी को आप प्यार करते हैं, उस खेसारी की तरह बनना है तो आपको अपने जीवन का धारा चेंज करना पड़ेगा। आपको जितना फोकस आप फालतू चीज में करते हैं, उस फोकस को आप अपने काम में लगा दीजिए, अपने खुद पे लगा दीजिए। तो दुनिया बड़ी छोटी है और ये दुनिया बहुत बड़ी, करने वाले के लिए बहुत छोटी चीज हो जाती है। खेसारी जी, आपके कान से ब्लड आ रहा है, जरा बताएं नहीं, अभी कान का भी नाम लिया है। अरे ठीक है, कल चोट लग गई थी मुझे और बहुत तगड़ा चोट लगा था, तो मैं एक्सरे कराया हूँ, ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फिर शूट पे ही जाऊँगा। चोट लगने के बाद भी मैंने 1 घंटे काम किया ताकि किसी प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अंधेरा अंधेरा हो रहा था मेरे आंखों के नीचे। हाँ, फाइट सीन चल रहा था मेरा, वो एक सिनेमा है जो मेरा सैयारा गिले ना, उसी में एक अंग्रेज के साथ मेरी फाइट होती है, उसी में लग गया, वो अंग्रेज था बेचारा, मार दिया तो फूल गया सब, बर्फ से धोए, लेकिन रात भर एक अलग से सो रहे थे। रियल होता तो ले लेता लेकिन फिल्म है, कैसे लूँ, फिल्मों में ले ही रहा हूँ, उससे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल में नहीं, क्या करें, दिक्कत है, हमारा प्रॉब्लम है। फिर एक्सरे कराया और करा के आया तो 6 बजे सुबह सोया, तब तक आपकी टीम आ गई। तो बस यही है, मैं जीवन में यही चाहता हूँ कि अगर हम किसी की सिर्फ बुराई करें, आज कुली नंबर 1 में मैंने एक आईना दिखाया है और हर आदमी उस आईना को देखने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि हर आदमी उस आईना को अपने बच्चों के अंदर ढालने का काम करेगा और हर बच्चे अपने पिता और माँ के अंदर वो खूबसूरती और वो खुशियाँ देखने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो शायद इस धरती पे कोई अनाथ नहीं होगा। तो मेरी कोशिश यही है, बशर्ते अब तो जनता का डिसीजन है, इनका प्यार है कि एक अच्छी चीज़ को कितना मोहब्बत देते हैं, कितना प्यार देते हैं। आज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सारी पार्टियाँ ने मोदी जी की बुराई करने पर फोकस किया, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की। जीत तभी होती है जब हम अपनी बातें करते हैं। बाकी पार्टियों का दशा क्या हुआ, लंका के रावण की तरह, हनुमान जी गए, कपड़ा किसका, रावण का, तेल किसका, रावण का, माचिस किसका, रावण का, जली किसकी, रावण की। मंच उनके होते थे, माइक उनके होते थे, स्टेज उनके होते थे, लोग उनके होते थे, और बात किसकी होती थी, मोदी जी की। हम अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, तो हमें जरूरत है जो हम किसी और की बातों को लेकर किसी और को दोषी ठहराने से अच्छा है कि हम अपने जीवन की बातें इतना अच्छा कुछ कर दे कि दुनिया हमारी बातें करे। हमारी बुराई में भी हमारी सच्चाई है, अगर जिसको, और आज की दुनिया पढ़ी लिखी है, पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक पढ़ा लिखा आदमी का हर आदमी बात मानता था कि नहीं यार, वो पढ़ा लिखा है, उसकी बातों को मान लो, क्योंकि बाकी सब अनपढ़ थे तो उनको लगता था कि ये ज्ञानी है, उनके मन में बैठ गया था। लेकिन आज हर घर में MBBS लड़के हैं, BCOM किए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहे हैं, माने हर घर में आज शिक्षित लोग हैं, तो आप उनको नहीं बरगला सकते और आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि हर बच्चा आज सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो जानता है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो हमें ज़मीनी लेवल पे हर नेताओं को भी बात करूंगा और मैं हर स्टार को भी बात करूंगा कि हम पल भर की खुशी के लिए हो सकता है कि गंदा गाना गा दें, लेकिन अगर पूरी जीवन की खुशी चाहिए, हमने गाया है बीच में बहुत सारी चीज़ें, जब मुझे आभास नहीं था, आज से 4-5 साल पहले तो मैंने भी चीज़ें की, उस समय ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन जब से समाज का आईना मुझे मेरे सामने आया है, तब से उस चीज़ों को बदलने में मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं आने वाले पीढ़ी को भी कहूँगा कि अच्छी चीज़ों पे आप चुनाव करेंगे, ठीक है, आप गाइए, लेकिन उसमें किसी को व्यक्तिगत किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी माँ बहन को ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी लड़की को जो जाने वाली रास्ता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी की वाइफ ही है, वो किसी की बहन भी हो सकती है। तो अगर हर लड़की को जाने वाले रास्ते पे बहन हम समझें, तो हमारी भी बहन उस रास्ते से जाती है, तो ये दुनिया भी उस बहन को बहन ही समझेगी। तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है और एक समाज का आईना है कुली नंबर 1। तो हमारी कोशिश है कि, और हमारा विश्वास भी है, जो हमारी जनता उसको ढेर सारा प्यार जरूर देगी, क्योंकि वो एक सोशल वेस पे कहानी है और दुनिया का समाज का आईना है। तो कोशिश हमारी है, बस अब जनता का प्यार का जो भी फैसला होगा मेरे सराखों पर होगा।
कि अगर मुझे एक्सेप्ट करती है तो भी अच्छा है, और नहीं भी करेगी तो भी मैं इनके दिल में ही रहने वाला हूँ, फिर कोशिश करूँगा। कि क्योंकि हार को जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। और बहुत दिन बाद मेरा सिनेमा रिलीज हो रहा है, लास्ट सिनेमा मेरा रिलीज हुआ था अक्टूबर में, तो मुझे लगता है कि 7-8 महीने बाद मेरा एक सिनेमा रिलीज़ हो रहा है। और इसीलिए मैंने अच्छे सिनेमा का चुनाव किया है कि नहीं, जो सिनेमा मेरा अच्छा है उसके लिए मैं फोकस करूँगा और दुनिया को बताऊँगा कि मेरा सिनेमा बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.